1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप एक ऐसा वर्ल्ड कप था जिसे जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था। इसमें दो ऐसी टीमों के बीच मुकाबला था जिसमें से एक टीम वेस्टइंडीज ने पिछले दोनों वर्ल्ड कप जीतकर क्रिकेट की दुनिया में अपना झंडा बुलंद कर रखा था, जबकि दूसरी टीम इंडिया अभी नौसिखिया थी, जिससे वर्ल्ड कप तो क्या मात्र दो मैच जीतने की भी उम्मीद नहीं थी, खुद टीम को भी नहीं। इसीलिए टीम इंडिया ने सेमीफाइनल मैच से पहले ही भारत वापसी के टिकट बुक करा लिए थे, किंतु कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने ऐसा कारनामा करके दिखाया था जिससे देश और दुनिया दंग रह गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश भर में इस मैच के प्रसारण के आदेश दे दिए थे। सीमा पर पाकिस्तान ने गोलीबारी बंद कर दी थी और कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में पुलिस वाले घरों में बंद लोगों से मैच का स्कोर पूछने लगे थे। आइए देखते हैं इस रोमांचकारी मैच की कहानी, पार्ट टू। लीग मैच में भारत जिम्बाब्वे को अविश्वसनीय रूप से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका था। इस मैच में एक समय भारत के मात्र 17 रनों पर 5 विकेट गिर चुके थे। तब कप्तान कपिल देव ने पारी संभाली थी और ताबड़तोड़ 175 रनों की नाबाद पारी खेलकर मैच का पासा पलट दिया था। इस अविश्वसनीय जीत से भारतीय खिलाड़ियों को पहली बार एहसास हुआ कि वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, वर्ल्ड कप भी। 22 जून 1983, सेमीफाइनल मैच, भारत वर्सेस इंग्लैंड। आज भारत का मुकाबला सेमीफाइनल में पहले ही प्रवेश कर चुकी टीम इंग्लैंड से था। मैच की शुरुआत इंग्लैंड की बल्लेबाजी से हुई। जोश से भरे हुए भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन किया और इंग्लिश टीम को 213 रनों पर रोक दिया। 214 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी की। टीम इंडिया के लिए इस मैच में यशपाल शर्मा ने 61 रन और संदीप पाटिल ने 51 रन बनाकर अर्धशतकीय पारी खेली। इन दोनों के अलावा मोहिंदर अमरनाथ ने भी 44 रनों की बेहतरीन पारी खेली। भारतीय बैटर्स और बॉलर्स ने मिलकर इंग्लैंड की टीम को हरा दिया और वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया, जो कि वाकई एक करिश्मा था। मैच जीतते ही पूरे स्टेडियम में हंगामा खड़ा हो गया। लोग खुशी से झूमने लगे और इंग्लैंड में रहने वाले भारतीय सड़कों पर ढोल बजाने लगे। ये सब अंग्रेजों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह खुशी मनाते हुए लोगों से भिड़ गए, किंतु भारतीयों के जोश के चलते अंग्रेजों को भागना पड़ा। 25 जून 1983, फाइनल मैच, भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज। आज वर्ल्ड कप 1983 का फाइनल मैच था और मुकाबला था भारत और लगातार दो बार से वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज के बीच। इस वर्ल्ड कप में तीसरी बार भारत और वेस्ट इंडीज एक दूसरे के आमने सामने थे। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत के लिए ये करो या मरो वाला मैच था तो वेस्ट इंडीज की इज्जत दांव पर लगी हुई थी। वो किसी भी कीमत पर इस मैच को हारना नहीं चाहते थे। पलक झपकते आंखों से ओझल होने वाली बॉलें डाली जाने लगी और महज 2 रन के स्कोर पर ही सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर आउट हो गए। इसके बाद श्रीकांत और अमरनाथ ने टीम को संभाला और भारत का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया, किंतु इनके बाद के 2 खिलाड़ी भी जल्दी ही आउट हो गए। अब उम्मीद की धुरी कपिल देव पर ही टिकी हुई थी। लोग उनसे जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई पारी की तरह ही आशा कर रहे थे। कपिल ने आक्रामक खेल खेलना शुरू किया, किंतु वो भी जल्दी ही कैच आउट हो गए। कपिल के आउट होते ही भारतीय दर्शकों में सन्नाटा छा गया। फिर भारत का एक भी बल्लेबाज वेस्ट इंडीज के तेज आक्रमण के सामने ज़्यादा टिक नहीं पाया और भारतीय टीम इस खिताबी भिड़ंत में 183 रनों पर ऑल आउट हो गई, जो कि वेस्ट इंडीज जैसी टीम के सामने जीत के लिए काफ़ी कम स्कोर था। वेस्ट इंडीज में कप्तान क्लाइव लॉयड और विवियन रिचर्ड्स जैसे बल्लेबाज थे जो अकेले दम पर इतना स्कोर खड़ा कर चुके थे। भारतीय टीम पूरी तरह मायूस हो चुकी थी। ड्रेसिंग रूम में कपिल देव ने खिलाड़ियों से कहा, साथियों, ये जीत के लिए ही भले ही कम स्कोर हो, किंतु फाइट के लिए पूरा स्कोर है। हमने 183 ही सही, इतने रन बना तो लिए हैं, अब वेस्ट इंडीज को कम से कम इतने रन तो बनाने ही पड़ेंगे और हम उन्हें बनाने नहीं देंगे। ये सुनकर पूरी टीम एक नए जोश के साथ मैदान में फील्डिंग के लिए उतरती है और मोर्चा संभालते हैं भारतीय गेंदबाज,
जोश से भरे भारतीय गेंदबाजों ने इस तरह की गेंदबाजी की कि उस समय की सबसे मजबूत टीम वेस्ट इंडीज के 5 खिलाड़ी महज 66 रनों के स्कोर पर आउट हो गए। ऐसा लगने लगा था कि भारत इस मैच को जीत जाएगा, किंतु अभी क्रीज पर विवियन रिचर्ड्स नाम का वो खिलाड़ी मौजूद था जो अकेले अपने बूते पर मैच जिता सकता था, और वो ऐसा कर भी रहा था। विवियन रिचर्ड्स की बैटिंग के सामने भारत की उम्मीद टूटने लगी कि तभी एक अनोखी बात हुई। हुआ यूं कि गेंदबाज मदनलाल कपिल देव के पास आए और उन्होंने कपिल देव से उन्हें बॉलिंग देने के लिए कहा, किंतु कपिल उन्हें बॉलिंग नहीं देना चाह रहे थे क्योंकि विवियन रिचर्ड्स मदनलाल की बॉलों को लगातार पीट रहे थे। मदनलाल अड़ गए और कपिल देव के हाथों से बॉल छीनते हुए बोले कि इसे मैं ही आउट करूंगा। कपिल देव ने कुछ देर सोचकर उन्हें बॉल दे दी। हालांकि ये एक रिस्की फैसला था, किंतु इस फैसले ने मैच का रुख पलट दिया। मदनलाल ने ओवर शुरू किया और गेंद विवियन रिचर्ड्स के बल्ले से लगकर तेजी से हवा में काफी ऊंची उछली। नीचे कपिल देव खड़े थे, वो तेजी से कैच के लिए दौड़े, किंतु बॉल काफी दूर थी। कपिल ने करीब 15 मीटर दौड़कर कैच पकड़ लिया और विवियन रिचर्ड्स आउट हो गए। ये बहुत मुश्किल कैच था। जब भी ग्रेटेस्ट कैच की बात होती है तो इस कैच का जिक्र जरूर होता है। ये कैच इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। विवियन रिचर्ड्स के बाद वेस्ट इंडीज का कोई भी बल्लेबाज भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया और संघर्ष करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम महज 140 रनों पर ऑल आउट हो गई। आखिरी विकेट गिरते ही मैदान में जन सैलाब उमड़ पड़ा। भारत वर्ल्ड कप जीत चुका था, लोगों का जोश संभाले नहीं संभल रहा था। इंग्लैंड में लॉर्ड्स का वो मैदान जिसमें फाइनल से पहले भारतीय टीम को घुसने तक की इजाज़त नहीं थी, वहां भारतीय परचम लहराने लगे। 25 जून 1983 की पूरी रात लोग जश्न मनाते रहे। खुद कपिल देव के शब्दों में, रात कोई भी नहीं सोया, लोग नाच रहे थे सड़क से लेके लॉबी तक। वो जो नजारा था वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नाच गाने ढोल, मानो इस तरह की खुशी थी कि हमने कभी पहले महसूस ही नहीं की थी। मैं तो यकीनन ये कह सकता हूँ, शैंपेन की शैंपेन बॉटल खुल रही थी, लोग पी रहे थे, लेकिन मैं डर रहा था इसके पैसे कौन देगा। आखिरी दिन था टूर का, किसी के पास कोई पैसा नहीं था, आज भी नहीं जानता वो पैसे किसने दिए। खुशी में हमें भूख ही नहीं लग रही थी, लेकिन जब भूख का ख्याल आया सब कुछ बंद हो चुका था। जिस दिन हम वर्ल्ड कप जीते खाली पेट सोए थे, लेकिन दिल भरा हुआ था। इस वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद एक मजेदार घटना और भी घटी थी। हुआ यूं कि सेमीफाइनल से पहले इंग्लैंड के एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उसने लिखा था कि भारत किसी भी हाल में वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता, और अगर ऐसा होता है तो वो अपने लिखे हुए आर्टिकल को खा लेंगे। वर्ल्ड कप के बाद टीम के मैनेजर मान सिंह ने उस पत्रकार को पत्र लिखा कि भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। करीब एक महीने बाद उस पत्रकार ने वाकई अपना लिखा हुआ वो आर्टिकल खा लिया और उसकी फोटो मैगजीन में पब्लिश भी की। साथियों, इससे पहले की कहानी इससे भी ज़्यादा रोमांचक है, जिसमें कपिल देव ने 175 रनों की तूफानी पारी खेली थी। देखने के लिए YouTube सर्च में टाइप कीजिए 010SK69 और देखिए ये। साथियों, ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित रोचक और रोमांचक कहानियों के लिए देखते रहिए सत्य कथा 69। धन्यवाद। जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।